हिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक के सेकेंड चैप्टर के एट्थ वीडियो में बहुत स्वागत है। वीडियोस के बनाने का एक ही मकसद है कि आपको हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में रट्टे ना पेलने पड़े, बल्कि आप हमेशा के लिए इसे याद रख पाए। दोस्तों, हिस्ट्री ना केवल हमको सबक सिखाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर वही सिचुएशन आ जाए तो उसका सामना कैसे किया जा सकता है। ये वीडियो बहुत शौक से, इनफैक्ट बहुत महंगे शौक से और बड़ी ही मेहनत से बनाए जाते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो हमारा बहुत मनोबल बढ़ता है और हम कैसे भी करके अपनी बिजी लाइफ से कुछ समय निकालते हैं ताकि सोशल स्टडीज जैसा बोर सब्जेक्ट भी आपके लिए आसान बन जाए। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के सब्सक्राइब्स, शेयर और लाइक्स की काफी जरूरत है। इस कोर्स में हम कवर करेंगे वियतनाम की गुलामी में धर्म का क्या रोल रहा, उनके ओरिजिनल धर्म क्या थे और ईसाई धर्म कैसे पनपा, इसके खिलाफ आंदोलन कैसे हुए और क्या वे आंदोलन सफल हो पाए, हुआ हाउ मूवमेंट क्या थी और उसके लीडर कौन थे, ऐसी मूवमेंट्स का क्या असर हुआ। दोस्तों, फ्रेंच का डोमिनियन कंट्रोल वियतनामी लोगों की पब्लिक और प्राइवेट दोनों जिंदगियों को इफेक्ट करता था। फ्रेंच ने अपने मिलिट्री के दम पर वियतनाम पर कब्जा तो कर ही लिया था, पर वो वियतनाम की सोशल और कल्चरल जिंदगियों को भी बदल डालना चाहते थे, यानी कि उन्हें हर ढंग से गुलाम बनाना चाहते थे, चाहे वो पढ़ाई हो, त्योहार हो, रीति रिवाज हो या फिर धर्म क्यों ना हो। फ्रेंच का कॉलोनियल कंट्रोल बनाने में धर्म ने बड़ा रोल तो अदा किया ही, पर साथ ही साथ फ्रेंच के खिलाफ होने वाली रेजिस्टेंस यानी विरोध को भी बल दिया। वियतनाम के समाज में कई तरह के धर्मों का एक मिक्सचर सा था। वहां का मेन बुद्ध धर्म था, चाइना से आया कन्फ्यूशनिज्म था और कई लोकल रिवाज थे जो ट्राइबल और हिंदू धर्म से उपजे हुए थे। फ्रांस से आए मिशनरी अपने साथ ईसाई धर्म लेकर आ गए और उसे धीरे धीरे वियतनामी समाज में घोल रहे थे। ये ईसाई धर्म वियतनामियों के इस आराम से, रिलैक्स से मिक्सचर को लाइक नहीं करता था और उसके प्रति इंटॉलरेंट था। इंटॉलरेंट शब्द का पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। दोस्तों, शायद हम हिंदुस्तानी लोग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टॉलरेंट हैं, यानी जो दूसरों के रीति रिवाज को, उनके धर्म को, उनके पहनावे को और उनके रहन सहन को बर्दाश्त करते हैं। इतिहास गवाह है, हमने किसी को उसके धर्म के लिए, उसके मजहब के लिए गला काटकर या बम से उड़ाकर नहीं मारा और शायद किसी देश पर खुद से लड़ाई भी नहीं डाली। एनीवेज, ईसाई मिशनरियों को लगा इन जाहिल अनजान सुपर नेचुरल यानी आत्मा, पूर्वजों, देवताओं को पूजने वाले जंगली लोकल वियतनामियों को असली प्रभु के पुत्र वाला धर्म सिखाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वियतनाम में जो पहले से मौजूद धार्मिक ग्रुप थे, उनको फ्रांस से आए और जबरदस्ती उनके घर में घुसे और उनके ही धर्म को जबरदस्ती बदलना पसंद नहीं आ रहा था तो वे फ्रेंच के खिलाफ थे। फ्रांस के कब्जे को लेकर और जबरन ईसाई धर्म थोपे जाने को लेकर बहुत ही शुरुआत में 1868 में ही एक विद्रोह हुआ जिसका नाम था स्कॉलर्स रिवोल्ट। इस विद्रोह को शाही दरबार के ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों ने शुरू किया, जो कि फ्रांस की बढ़ती हुई ताकत से और ईसाई धर्म के बढ़ने से काफी नाराज थे। इन अधिकारियों ने नगुअन और हातियन की प्रोविंसेस में एक बड़े विद्रोह को लीड किया, जिसमें 1000 से ऊपर ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसका मतलब है कि कम्युनल दंगे आज से 150 साल पहले ही होते थे और दुनिया के कई अलग अलग इलाकों में होते थे। वैसे अपने भारत में 2014 के बाद से दंगे 2-3 ही हुए होंगे और इन पर भी काफी कंट्रोल है, फिर भी मीडिया गाती है हम सब इनटॉलरेंट हैं। अब दोस्तों, वियतनाम में ये ईसाई मिशनरी 17th सेंचुरी की शुरुआत से ही कन्वर्जन करने में लगे हुए थे और 18th सेंचुरी के मिड तक तो इन्होंने कोई 3,00,000 वियतनामी कन्वर्ट भी कर दिए थे। इन मिशनरियों को राजाओं ने मौत के घाट भी उतारा, पर फ्रेंच के कब्जे के बाद तो जैसे इन्हें बहुत ही बल मिल गया था। दोस्तों, 1st सेंचुरी AD के बाद से आया हर धर्म अपना फैलाव करना चाहता है, क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोअर्स,
उतनी ज्यादा ताकत, उतनी ज्यादा जमीन, उतने ज्यादा वोट, उतनी ज्यादा दौलत और उतनी ज्यादा पावर। इतिहास गवाह है, तलवार के नोक पर करोड़ों को कन्वर्ट किया गया, पूरा यूरोप और पूरा एशिया, पर हमारा अपना भारत इस बात का सबूत है। दो ही चॉइस होती थी, या तो कबूल कर लो, मान लो, या फिर जान दे दो। दोस्तों, फ्रांस ने यह स्कॉलर्स का रिवोल्ट बड़ी ही बेरहमी के साथ कुचल दिया। उसके पास मॉडर्न गन्स थी, बारूद था, जिसके आगे ये रेवोल्यूशनरीज टिक नहीं पाए। भले ये क्रांति कुचल दी गई हो, पर इस अपराइजिंग ने कितने ही और देशभक्तों को फ्रांस से लड़ने के लिए इंस्पायर किया। वियतनाम की इलीट चाइनीज भाषा में और कन्फ्यूशनिज्म में पड़े थे। आपको मैंने पहले ही बताया था, उनके लिंक चाइना से जुड़े हुए थे, और जो आम जनता थी, पीजेंट लोग थे, उनके धार्मिक विश्वास बहुत तरह के धर्मों के मिक्सचर से बने हुए थे। कई बड़े ही लोकप्रिय पंथ, धार्मिक रास्ते इस तरह के लोगों से भी फैले थे, जिनका मानना था कि उन्होंने भगवान का आभास किया है। अब ऐसे ही कई पंथ फ्रेंच शासन को सपोर्ट करते थे, और कईयों ने फ्रेंच के खिलाफ आंदोलनों को भी इंस्पायर किया, यानी दोनों टाइप के थे। ऐसा ही एक आंदोलन था हुआ, जो कि 1939 में शुरू हुआ, बहुत ही फर्टाइल मेकोंग डेल्टा में। ये बहुत पॉपुलर हुआ, 19th सेंचुरी में चले एंटी फ्रेंच आंदोलन के विचारों और धार्मिक आइडियाज के ऊपर ये हुआ हाओ का आंदोलन बेस था। इसके फाउंडर थे यंग फूसो। वो कई चमत्कार करते थे और गरीबों की मदद करते थे। वो बेफालतू के खर्चों के खिलाफ बोलते थे, और इस वजह से उनके विचार दूर दूर तक पसंद किए जाते थे। वो छोटी बच्चियों के खरीद कर शादी किए जाने के खिलाफ थे, जुए के खिलाफ थे, और साथ साथ शराब और अफीम के नशे के भी अगेंस्ट थे। अब भाई, फ्रेंच ने देखा कि बाबा जी को तो बहुत लोग मानते हैं, और वो फ्रेंच के अंडर आ ही नहीं रहे। बाबा जी गरीबों में लोकप्रिय भी हैं और शराब वगैरह के खिलाफ भी हैं, जो कि फ्रेंच खुद लोकल लोगों में प्रमोट करती थी। तो यहां बाबा जी को फंसाने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, ऐसी ही कई घटनाएं अपने गुलाम और आजाद भारत में भी हुई हैं। जब नेता लोगों को बाबा जी से काम होता है, वो पैरों में लिपट जाते हैं, पर जैसे ही बाबा जी उनकी बात नहीं मानते, उनको अटका दिया जाता है, और मीडिया बाबा जी को फैशी दरिंदा बना देती है अपनी टीआरपी के लिए। एनीवेज, तो वियतनाम के इन बाबा जी को फ्रेंच सरकार ने पागल बाबा घोषित कर दिया। वो उन्हें मैड बोंजा कहने लगे, उन्हें पागल खाने में डाल दिया। पर दोस्तों, जिस डॉक्टर को उन्हें पागल डिक्लेयर करना था, घोषित करना था, सर्टिफाई करना था, बाबा जी की संगत में रहकर वो खुद उनका चेला बन गया। या फ्रेंच की ओर से कहें, एक पागल के साथ रहकर वो खुद पागल हो गया। 41 में खुद फ्रेंच डॉक्टर्स ने आखिर में डिक्लेयर कर दिया कि यंग फू सो बिल्कुल फिट है। अब फ्रेंच सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया और लाओस भेज दिया, जो कि बिल्कुल उजाड़ जंगल था, और उनके फॉलोअर्स को कंसंट्रेशन कैंप्स में जबरदस्ती मजबूरी करवाने और टॉर्चर कर मारने के लिए भेज दिया। दोस्तों, जैसा आपको पहले बताया, ऐसी मूवमेंट्स मेनस्ट्रीम नेशनलिज्म से ऑपोजिट रिश्ता बनाए होती है। आपको यहां मैं अल्लूरी सीतारमन राजू का एग्जांपल दूंगा कि कैसे भारत की लीडिंग कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कोई सपोर्ट नहीं दी थी। यहां नेता लोग, पॉलिटिकल पार्टियां उनकी सपोर्ट तो चाहती हैं, क्योंकि बताया ना, इनके फॉलोअर्स बहुत होते हैं और ये ग्रास रूट से जुड़े होते हैं। ये मूवमेंट्स गरीब के लिए, मजबूर के लिए, बीमार के लिए बहुत काम करती हैं, पर पॉलिटिकल पार्टियां खुलकर इनकी सपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वे ऐसे ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यानी ये धार्मिक ग्रुप नेताओं की हां में हां नहीं मिलाते, और पॉलिटिकल नेताओं के अनुसार वो उनके रिवाज और प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं कर सकती। पर दोस्तों, जो भी हो, इन मूवमेंट्स ने गुलामी के खिलाफ काफी ज्यादा भावनाएं जगाई। दोस्तों, वियतनाम के उस दौर में मॉडर्न होने का मतलब क्या था? क्या मॉडर्न होने के लिए खुद को बदल डालना जरूरी था? फान बोई चाऊ कौन थे और उन्होंने क्या लिखा? फान छू त्री कौन थे और वो फान बोई चाऊ को क्यों अपोज कर रहे थे? गो ईस्ट मूवमेंट क्या थी और जापान का वियतनाम की नेशनलिस्ट मूवमेंट से क्या संबंध था?
ये सब जानेंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लग रहा है तो हमें भी आपकी हेल्प चाहिए कि आप इसे अपने क्लासमेट्स को, अपने जूनियर्स को बताएं, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।